9.1 की जो बाकी सवाल रह गए थे उनको सॉल्व करते हैं, थोड़ा गला खराब है, इसके बाद आप लोगों को अजीब सी लग रही होगी। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था, तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, इफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ 21 सेंटीमीटर डायमीटर फ्लाईव्हील ट्रेवल 5040 मीटर इन अ मिनट, तो हमें रेडियन निकालना है कि एक सेकंड के अंदर कितना व्हील टर्न होता है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास एक चीज आई है रिम, जो लड़के हैं ना जो बाइक चलाते हैं उनको पता होगा रिम क्या होता है। जिनको नहीं पता कि रिम क्या होता है उनके लिए मैं बता दूं कि सिंपल बाइक आपने देखी होगी, बाइक का टायर जो होता है उसके ऊपर जो टायर होता है ना रबर शेप का, उसके नीचे जो सिल्वर सा पूरा सर्कुलर शेप का होता है उसको हम बोलते हैं बेसिकली रिम। उसी का मैंने जिक्र किया है कि एक पॉइंट है रिम के ऊपर और रिम का डायमीटर क्या, देखो रिम सर्कुलर शेप का है ना, ये रिम होता है उसके ऊपर टायर चला रहा है, तो जब सर्कुलर शेप होगा तो उसका मतलब उसका डायमीटर और रेडियस इन्वॉल्व होगा। तो एक पॉइंट हमने पिक कर लिया नेट से रिम के ऊपर ही होगा और उस रिम का डायमीटर उन्होंने दे दिया 21 सेंटीमीटर। वो जो पॉइंट जो है ना वो ट्रेवल कर रहा है 5040 मीटर, मतलब 5040 मीटर ट्रेवल कर रहा है एक मिनट के अंदर। ट्रेवल किस तरह करेगा भाई, सिंपल जब टाइम घूमेगा तो ये पॉइंट भी ट्रेवल करता जाएगा। इसकी सिंपल एग्जाम्पल ये कि अगर आप बस में बैठते हो तो आप बेसिकली मूव नहीं कर रहे होते, मूव तो बस ही कर रही होती है, लेकिन अगर आपका सफ़र 10 किलोमीटर का तो आप तो ये बोलोगे मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल करके आ गया, बेशक आप बैठे हो, क्यों आप गाड़ी के साथ जा रहे हो, गाड़ी ट्रैवल कर रही तो आप भी शुमार हो रहा है कि आप भी ट्रैवल कर रहे हो 10 किलोमीटर। इसी तरह पॉइंट बेसिकली रुका हुआ है लेकिन ये जिस टायर के ऊपर है ना वो टायर मुस्तकिल घूम रहा है, अब वो घूमेगा तो उसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। इसकी सिंपल एग्जाम्पल ये मैं एक लाया हूँ, ये सर्कुलर शेप की चीज़ ही है, अपने डंबल्स का डंबल को जो होल्ड करते हैं वो वाली चीज़ है। तो अब इसको अगर आप कंसीडर कर लो एक सर्कुलर शेप ही है इसकी, मैंने एक पॉइंट पिक कर लूँगा यहाँ पे, अब ये लेट कर लो ये रिम है टायर है जो घूम रहा है, तब ये घूमेगा इस तरह पूरा ट्रैवल करता जाएगा, ठीक है। तो आगे कंप्लीट मतलब जब हाफ रोटेशन होगी तो ये पॉइंट इस जगह पे आएगा, स्टार्ट इसने इस जगह पे किया था, स्टार्ट यहाँ पे किया था, उसके बाद क्या कर रहा है घूमता जा रहा है और डिस्टेंस ट्रैवल करता जा रहा है, ये हाफ रोटेशन हुई फिर ये घूम रहा है करते 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 ये इसकी फुल रोटेशन हो गई। तो ये पॉइंट जब पूरा घूम के आएगा तो जब ओरिजिनल अपने जगह पे आएगा, लेट्स से घूम के यहाँ आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ पे आया, जब ओरिजिनल अपने पोजीशन पे आएगा तो इसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन की है और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा आप लोगों को पता है, ये जो पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस है ना इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इस तरह डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक मिनट के अंदर 5040 मीटर। तो वो बोल रहे हैं बताओ कि व्हील कितनी दफा टर्न करेगा, मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया एक दफा जब टर्न करेगा ये कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी और कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो इस तरह टायर कितनी दफा घूमेगा कि ये 5040 मीटर ट्रैवल करेगा, ये बेसिकली फाइंड करने का तरीका ये है कि आपको फॉर्मूला पता है एस बराबर होता है आर थीटा के, इसमें रेडियस सही होता है डायमीटर गिवन था, उनसे डिवाइड कर दे तो आपके पास रेडियस आ गया। अब आपको पता है डिस्टेंस ट्रैवल है एक मिनट के अंदर 5040 मीटर, रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर में, तो आपको एस का यूनिट भी सेंटीमीटर के अंदर करना पड़ेगा या रेडियस को मीटर के अंदर कर दो, तो यूनिट सेम करने हैं आपने एस और आर के। तो सेम करने के लिए मैंने क्या किया, मीटर से जब मुझे सेंटीमीटर में जाना होता है एक बड़े यूनिट से अगर मैं छोटे यूनिट में जाऊंगा तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मीटर से सेंटीमीटर में जाके मैंने क्या किया, आपको पता है एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा आमतौर पर स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि मैंने इसमें कोई चेंजिंग की, चेंजिंग नहीं की भाई, एक मिनट के अंदर 60 सेकंड ही होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है, एक मिनट और 60 सेकंड सेम नहीं है। किया क्यों है, उसकी रीज़न ये है कि आपको निकालना है एक सेकंड के अंदर थीटा क्या है, एक सेकंड की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक मिनट है तो मुझे इसको एक सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है, इसलिए मैंने 60 सेकंड लिखा पहले, अब 60 सेकंड या एक मिनट से मुझे एक सेकंड में जाना बड़ा आसानी होगी, क्यों 60 सेकंड से आपने एक सेकंड में जाना, क्या करो दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दो, तो 60/60 आते हैं, अगर मिनट होता ना तो आप लोग इतना अच्छा इमेजिन नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने 60 सेकंड लिख दिया था। एक सेकंड में कितना आ जाएगा, जब 60 से आपने डिवाइड किया तो आपके पास 8400 सेंटीमीटर आते हैं, तो एक सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस है 8400 सेंटीमीटर। अब दोनों चीज़ें आ गई, एस भी आ गया आर भी आ गया, थीटा हो जाएगा एस ओवर आर, एस ये है और आर 10.5 है, सॉल्व करो तो आपके पास थीटा आ जाएगा 800 रेडियंस। तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया कि थीटा जो है वो 800 रेडियन है एक सेकंड के अंदर, मतलब जो टायर है वो 800 रेडियन घूमेगा एक सेकंड के अंदर, पर सेकंड
हमें एस को 1 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 सेकंड के अंदर 800 रेडियंस टाइम होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ, लिखा हुआ है कि बेल्ट है 24.75 मीटर का और वो एक पुली के ऊपर है जिस पुली का डायमीटर है 1.5 सेंटीमीटर। एज द बेल्ट मेक्स टू कंप्लीट एवोल्यूशन, बेल्ट ने 2 कंप्लीट एवोल्यूशन किए हैं 1 मिनट के अंदर, तो हमें बताना है कि 1 सेकंड के अंदर वो पुली कितना घूमी होगी। इसकी पिक्चर में थोड़ी आप लोगों को समझा देता हूँ कि आप लेट कर लो, एक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, आप लोगों ने पता होगा कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। लेट कर लो जिसमें एक होती है छोटी पुली आपके पास और एक होती है बड़ी पुली। ये गियर ट्रांसमिशन सिस्टम में भी होता है कि आपके पास एक छोटा गियर है और एक बड़ा गियर है, एक ड्राइविंग गियर है, एक ड्रिवन गियर है। इसी तरह आप कंसीडर कर लो एक छोटी पुली है और एक बड़ी पुली है। तो छोटी पुली का डायमीटर जो सवाल में गिवन है ना, वो लेट कर लो छोटी पुली आपके पास, उसका डायमीटर कितना गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। और उन्होंने बोला है इस पुली के ऊपर एक बेल्ट पास कर रहा है, मतलब बेल्ट है इसके ऊपर, तो आप एक बेल्ट बना लो, ये पूरा बेल्ट इस तरह, सही है, तुम्हें समझ आ गई टीचर, इस तरह बेल्ट हमने इसके ऊपर रखा है पास कर रहा है। अब हम बोल रहे हैं बेल्ट की लेंथ कितनी है 24.75। लेट कर लो आपके पास में बिल्कुल सीधा बेल्ट, तो सीधा ही होगा ना, उसको हम खुद बेल्ट कर देते हैं, तो एक सीधा बेल्ट था जिसकी लेंथ कितनी है 24.75। ये तो कम नहीं हुई है, पूरा आगे तक इसमें ले जाइए। उस बेल्ट को आपने इस किसी तरह बेंड कर दिया, इसके ऊपर चढ़ा दिया, तो बेसिकली बेल्ट की लेंथ कितनी थी 24.75 थी, लेकिन आपने पूरा इस तरह चढ़ा के इसके ऊपर लेंथ दिया। अगर आप कंसीडर करो तो अभी भी इस पूरी बेल्ट की लेंथ जो होगी वो 24.75 की होगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि बेल्ट जो है वो 2 कंप्लीट एवोल्यूशन कर रहा है। अब इससे सवाल में वो क्या बताना चाह रहे हैं वो देखो। लेट कर लो इस बेल्ट के ऊपर, ये बेल्ट है ना पूरा, इस बेल्ट के ऊपर कोई भी पॉइंट फिक्स कर लो, ठीक है। अब अगर ये पुली घूमेगी, रोटेट करेगी, तो बेल्ट को भी अपने साथ घुमाएगी। जैसे अगर मैं लेट करूँ, आप खुद इमेजिन करो, अगर ये पुली इस तरह घूमेगी यूँ घूमेंगे, तो बेल्ट को भी अपने साथ ही आगे लेके जाएगी। जैसे ही इतनी घूमेगी बेल्ट थोड़ा आगे चला जाएगा, ये वाला पॉइंट इस जगह पर आ जाएगा। फिर ये पुली दोबारा घूमेगी इस तरह, तो बेल्ट फिर थोड़ा आगे चला जाएगा। थोड़ा इमेजिन करना है इसको, ये पुली घूम रही है तो ये वाला बेल्ट इस तरह आ रही हूँ करके, बेल्ट की रोटेशन ये वाली होगी, पुली इस तरह घूम रही है, बेल्ट आपका इस तरह घूम रहा है, ठीक है। दोबारा पुली रोटेशन करेगी, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, करते करते पॉइंट इधर, ये पॉइंट घूमता जाएगा, क्योंकि जैसे पुली घूम रही है बेल्ट ट्रैवल करता जाएगा। ये पॉइंट इस जगह पे जब दोबारा आएगा तो उसका मतलब है इस बेल्ट ने कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन किया, ठीक। और 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा आपको पता है, 1 रेवोल्यूशन में इसने ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ये एक्चुअल में किसके बराबर है, इस बेल्ट की लेंथ के बराबर है। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में लेट कर लो एक पॉइंट अगर आप कंसीडर कर लो, तो इस पॉइंट ने एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक जो लेंथ ऑफ बेल्ट के बराबर वो क्या है 24.75। सवाल में उन्होंने बोला है कि बेल्ट ने 2 कंप्लीट एवोल्यूशन किया है, तो जो आपने पॉइंट कंसीडर किया था ना, अब दोबारा जब उसको घुमाओगे तो दोबारा वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, जो इस बेल्ट की लेंथ है। तो जब 2 कंप्लीट एवोल्यूशन होगी तो लेंथ कितना होगा, सॉरी लेंथ कितनी कवर करेगा पॉइंट, पहली एवोल्यूशन में इतना कवर किया था, दूसरी एवोल्यूशन में इतना कवर किया था, तो इनको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 49.5। 2 से मल्टीप्लाई कर दो या इस तरह ऐड कर दो, बात एक ही है। तो 2 कंप्लीट एवोल्यूशन में जो हमने पॉइंट कंसीडर किया ना, उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 49.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अभी हम बात करें 1 मिनट की, क्योंकि बेल्ट ने 2 कंप्लीट एवोल्यूशन किया 1 मिनट की, तो एस जो है जो डिस्टेंस है वो 1 मिनट के अंदर कितना है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 24.75 से, मतलब 49.5। अब अगेन इसका जो मीटर है और इसका यूनिट सेंटीमीटर के अंदर है, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 1 मिनट के अंदर इतना, 60 सेकंड की चीज है, उसके अंदर कितना आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें थीटा निकालना है 1 सेकंड के अंदर, कि 1 सेकंड के अंदर ये पूरी कितने रेडियन टर्न कर रही है, 1 सेकंड में किस तरह कन्वर्ट करोगे, दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दो, वो किया तो आपके पास 1 सेकंड के अंदर कितना आ जाएगा डिस्टेंस, 82.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद ईजी है, आपको पता थीटा बराबर होता है एस ओवर आर, एस ए है, और आर शुरू से मैंने डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दिया ना, सॉल्व करो थीटा आपके पास आ रहा है 110 डिग्री। तो 1 सेकंड के अंदर ये पूरी जो है 110 रेडियन घूम रही है, और मैंने बताया एक पूरी कंप्लीट एवोल्यूशन में 6.28 होते हैं, तो अगर आप 110 को 6.28 से डिवाइड कर दोगे ना, लेट से 6 कर लेते हैं, तो कितना बनेगा 18
19 इस टाइप का कोई नंबर आ रहा होगा, तकरीबन 18 रेवोल्यूशन कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा वो एक सेकंड के अंदर। 110 रेडियन का मतलब ये है कि एक रेवोल्यूशन में 6.28 रेडियन होते हैं, तो 110 डिवाइड बाय 6.28 तकरीबन 18 आएगा आपके पास। तो एक सेकंड के अंदर ये पूरी 18 कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगी, मतलब इतनी तेजी से घूम रही है। बेल्ट जो देखो ना, बेल्ट की लेंथ 24.75 मीटर है और इस पुली का बेचारे का डायमीटर कितना 1.5 सेंटीमीटर, इतनी सी पुली बनेगी वो, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, पता नहीं उन्होंने बहुत ही लंबी कर दी है कि डायमीटर तो छोटा सा पुली का और लेंथ ऑफ बेल्ट 24.75 बहुत ज़्यादा बनेगी। ये तो मैं जो तकरीबन 5-6 जो 4-5 जो मंजिल होती है ना आपके फ्लोर होते हैं उतनी हाइट होगी बेल्ट की, 24.75 मीटर बहुत बड़ा होगा। खैर तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को समझा दिया होगा। आखिरी क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 11, उन्होंने बोला हुआ है कि कार जो है वो रन कर रही है सर्कुलर पाथ के ऊपर। एक कार है जो सर्कुलर पाथ पे रन कर रही है, लेट से यहाँ से कार ने स्टार्ट किया, वो सर्कुलर पाथ पे रन कर रही है, ऑफ रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ द सर्कल ट्रेवल बाय द कार। वो बोल रहे हैं कि एक गाड़ी जो है वो एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है, उस सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है जिसका रेडियस जो है वो डबल है उस आर्क लेंथ के जिस पे गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है। लेट कर लो गाड़ी ने यहाँ से लेके यहाँ पे गई है, ठीक है। उन्होंने बताया कि वो ऐसे सर्कुलर पाथ पे डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कि जिसमें रेडियस जो है वो डबल है उस आर्क लेंथ के जो उस गाड़ी ने ट्रेवल कर ली है। अब देखने में आपको लग रहा है गाड़ी ने इतना ट्रेवल किया और रेडियस इतना है, तो ऑलमोस्ट रेडियस जो है वो डबल है जितना गाड़ी ने ट्रेवल किया। ये कहने का मतलब इस सवाल पेपर में आएगा नहीं, लेकिन ये कंडीशन समझ में आती है आप दबा स्टूडेंट को, बस डबल ये कंडीशन टीचर्स बता देते हैं, बस स्टूडेंट भी खुश टीचर भी खुश, आंसर आ गया, दैट्स इट। मैं जैसे आप लोगों को समझा रहा हूँ कि कहने का मतलब क्या है कि कार रन कर रही है सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल टू डबल द आर, मतलब आर ग्रैंड डबल ऑफ द सर्कल ट्रेवल बाय द कार, कि ऐसे सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रही है कि जिसका रेडियस जो है डबल है उस आर्क लेंथ के जिस पर गाड़ी में ट्रेवल कर रही है। लेट कर लो इतना आपने गाड़ी ने ट्रेवल किया है, तो देखने में आपको लग रहा है कि ये चीज़ जो है ये हाफ है इससे, या दूसरे लैंग्वेज में बोलने के रेडियस जो है वो डबल है इस आर के। करना क्या है, फाइंड द एंगल सब्टेंडेड बाय द आर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब वो बोलने के बताओ सेंटर ऑफ सर्कल पे क्या एंगल उसका सब्टेंड कर दिए। सिंपल, आर क्या होता है 2s के बराबर होता है, s बराबर है r थीटा के, आपको थीटा निकालना है, थीटा होता है कैसे बराबर, ऐसे अपने जवाब में रहने दो, r बराबर है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 2s के बराबर है, तो r की जगह हमने 2s लिख दिया, s से s कैंसिल 1/2 बचेगा, तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 रेडियन था। और इसको मतलब देखोगे कैसे, जैसे यहाँ मैंने बताया था ना, इसको इस तरह कर लो, ये आपके पास रेडियस था, लेट कर लो यहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई और इतना गई, तो आपको देखने में लग रहा है कि ये r है, ये इस वाले डिस्टेंस के तकरीबन डबल डिस्टेंस है, तो रेडियन कैसे बनेगा, मतलब जब हम बोलते ना आर्क सबटेंड कर रही है एंगल सेंटर के ऊपर, तो इस तरह करती है उसके दोनों एंड पॉइंट को आप सेंटर से जॉइन कर दो, तो जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होता है कि हम बोलते हैं कि आर्क एंगल जो है ये सेंटर पे एंगल बना रहे हैं, ये मतलब होता है एंगल का, ठीक है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 9.2 स्टार्ट करेंगे, 9.2 का बहुत इंट्रोडक्शन है, बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।